हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज एक नई क्लास के लिए, आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC7 सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, इससे आज एक टॉपिक उठाने वाला हूँ जो टॉपिक का नाम है ब्रह्म समाज। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज आधुनिक भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसमें राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज काफी महत्वपूर्ण है। यह समाज धार्मिक कुरीतियों एवं आडंबरों पर कुठाराघात करता है और आधुनिक विचारधारा एवं सिद्धांतों को अपनाने पे जोर देता है। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो 1829 में ब्रह्म समाज के रूप में परिणत हो गया। इस समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों एवं आडंबरों को समाप्त कर हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था तथा एकेश्वरवाद का शिक्षा देना था। इसके दर्शन के दो मुख्य आधार थे, वेद और उपनिषद। इसके साथ साथ इसने पश्चिमी विचारधाराओं से सर्वोत्तम विचारधारा को भी सम्मिलित किया। इसने पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा तथा तर्क शक्ति के आधार पर तर्क द्वारा या निर्धारित करने पर बल दिया कि कौन सी प्रथा उपयोगी है और कौन सी अनुपयोगी। ब्रह्म समाज के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता है कि वह अपनी बुद्धि के आधार पर यह निर्धारित करे कि धार्मिक सिद्धांतों में क्या सही है और क्या गलत है। दरअसल राजा राममोहन राय धर्म के मामले में उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। वे धर्म में उसके लाभ को देखते थे, वे उसके दुर्गुणों को दूर करना चाहते थे। ठीक है, ब्रह्म समाज ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। इस समाज ने बलि प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा एवं धार्मिक रूढ़िवादी मान्यताओं और परंपराओं का पुरजोर विरोध किया। इस संस्था का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था और ना ही इन्होंने यह दावा किया कि हिंदू धर्म से अलग वे कोई नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा जैसे धार्मिक आडंबरों और रूढ़ियों को समाप्त करना था। कुछ आलोचकों के विचार से ब्रह्म समाज पर ईसाई धर्म का प्रभाव था, परंतु यह सही नहीं है। राजा राममोहन राय ने हर धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया, जिसमें ईसाई धर्म भी शामिल था। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म को कुरीतियों से अलग कर इसे ज्यादा मजबूत बनाया और पश्चिमी संस्कृति के हमले के विरुद्ध खड़ा किया। इसने धार्मिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहित किया, विशेषकर जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा आदि का विरोध किया गया तथा स्त्री सुधारों पर विशेष बल देते हुए स्त्रियों की शिक्षा की पर्याप्त विस्तार की योजना बनाई। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की कमान देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने संभाली, लेकिन आंतरिक मतभेदों की वजह से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रह्म समाज का प्रभाव कम होता चला गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ब्रह्म समाज ने तात्कालीन समय में जो भारत में सामाजिक धार्मिक गतिविधियां रूढ़ हो गई थी, उन्हें ना केवल बाहर निकालने का काम किया, बल्कि ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राममोहन राय ने, जिन्हें हम आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहते हैं, उन्होंने पाश्चात्य युक्तियुक्त विचारों को अपना करके भारत में ना केवल
परिष्कृत समाज की कल्पना की, बल्कि उसको साकार करने के लिए अपने संपूर्ण साधनों को लगा दिया। उनके ही प्रयासों का यह फल था कि भारत के शिक्षित वर्ग, विशेषकर बंगाल में यह देखा गया कि काफी संख्या में लोगों ने उनके विचारों को पालन किया और धर्म की कुरीतियों को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। राजा रामोहन रॉय के योगदान को आज भी हम याद करते हैं। उनके योगदान हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्हीं के ही देन था कि भारत इस धार्मिक कर्मकांडों और रूढ़िवादी मान्यताओं के जाल से मुक्त हो सका। तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज काफी महत्वपूर्ण विषय है। अब इसका हम निष्कर्ष करेंगे तो निष्कर्ष में हम पाएंगे कि ब्रह्म समाज के उद्देश्य एवं गतिविधियों पर प्रकाश डालने से हमें यह पता चलता है कि यह समाज अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा और इसके उद्देश्य काफी अच्छे थे। इसने तत्कालीन हिंदू धर्म में नवीन जागृति का संचार किया और प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं और परंपराओं से मुक्ति दिलाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन यह अधिकांशतः शहरी शिक्षित वर्ग को ही विशेष रूप से प्रभावित कर सका, क्योंकि इसका प्रभाव केवल शिक्षित वर्गों पर ही पड़ा। फिर भी यह निर्विवाद है कि इसने बंगाल और शेष भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज आधुनिक इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, उन सबों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय ने इस समाज के माध्यम से लोगों में नवीन चेतना का संचार किया और उन्हें दकियानुसी विचारों और रूढ़िवादी मान्यताओं को त्यागने और समाज को उत्कृष्ट स्थान, लोगों को उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए भरपूर चेष्टा की। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में नवीन जागृति आई और सती प्रथा, बलि प्रथा, जाति प्रथा आदि को दूर करने का प्रयास किया गया और विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को उचित सम्मानपूर्ण व्यवहार आदि का भी इन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से भारतीय धर्म अब उच्च पद पर अग्रसर हो सका और आगे चल करके ये सब लोगों ने मिलकर भारत की राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्ती भूमिका का भी निर्वहन किया। इस प्रकार से ब्रह्म समाज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को बहुत सावधानी पूर्वक हमें पढ़ना है और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और तब मैं अभी इस विषय को यहीं रोकना चाहूंगा और आगे के लिए मैं फिर नए विषय के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।